स्टूडेंट्स लेट्स लर्न एक्सरसाइज 1.1 इन द चैप्टर इंटीजर. ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे. एक खास दिन अलग अलग जगह का टेम्परेचर नंबर लाइन पर शो किया गया है. यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम लिखे हुए हैं, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु. ये इंडिया के अलग अलग हिस्सों के प्रमुख शहरों में से कुछ नाम है. ओके अब हम देखते हैं नंबर लाइन. जैसा ही हमने पहले वीडियो लेसन में देखा था कि जीरो रहता है और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स रहते हैं और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो यहां हम देखते हैं, अगर हमें मालूम करना है कि शिमला का टेम्परेचर कितना है तो जीरो से हम कहां काउंट करेंगे, फॉरवर्ड, क्योंकि शिमला इधर आ रहा है हमारा कुछ टेम्परेचर का जो है 1, 2, 3, 4, 5. तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस. सेम विद ऊटी, ऑलरेडी 10 है यहां पर, 11, 12, 13, 14 ऊटी का है 14 डिग्री सेल्सियस. एंड बंगलुरु हैज 22 डिग्री सेल्सियस. बट वेन वी सी द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति तो उसको हम देखते हैं कि ये जीरो से नीचे आ रहा है. जब जीरो से नीचे कोई नंबर आता है तो उसको हम माइनस में शो करते हैं. ओके श्रीनगर का टेम्परेचर देखते हैं, जीरो एट -1, -2 इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर. इन द केस ऑफ लाहौल स्पीति वी फाइंड द टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति वॉज -5, -6, -7, -8 -8 डिग्री टेम्परेचर. अब आपको इन अलग अलग जगह का टेम्परेचर इस नंबर लाइन पर देखकर अपनी रजिस्टर में, पहले आप रफ कॉपी में करेंगे उसमें लिख लेंगे. देन वी विल सी कि हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ए ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट. यहाँ के टेम्परेचर लिखने हैं कि बंगलुरु में कितना है, ऊटी में कितना है, शिमला, जो अभी हमने डिस्कस किया. बी इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. इन सब में सबसे ज्यादा गर्म जगह कौन सी है, बंगलुरु का टेम्परेचर कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस. और सबसे ठंडी जगह, यस जीरो से भी नीचे आते जाएंगे श्रीनगर से भी नीचे लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस. अब हमें क्या करना है, बंगलुरु एंड लाहौल स्पीति के टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम करना है. डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, अगर 22 डिग्री है मतलब 0 से लेकर 22 डिग्री हो गया. अब हम यहां पे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाता है. तो 22 + 8 दैट इज -30 डिग्री इज अ डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड बंगलुरुज टेम्परेचर. ओके इसको हम कभी कॉपी में भी सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, ये श्रीनगर है. ओके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना आ गया, 6 डिग्री टेम्परेचर. -8 में से जब हम -8 लेस करते हैं तो वी गेट 6 डिग्री टेम्परेचर. ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला. अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस कर दें, ओके अगर हम इसको प्लस करें, ऐड कर दें, टूगेदर जब है टेकन टूगेदर मतलब इसको ऐड करना है, तो फिर जब हम डिफरेंस देखते हैं शिमला के टेम्परेचर से तो क्या ये शिमला से कम आता है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे. और साथ में देखना है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे. हाँ जैसा अभी हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट जो टर्म है उसके हिसाब से लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी और बंगलुरु का हमने टेम्परेचर नंबर लाइन पर रीड करके उसको हमने नोट किया. लाहौल स्पीति 8 डिग्री सेल्सियस,
-8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर -2 डिग्री सेल्सियस, -2 क्यों, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे है, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस, ऊटी 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस। अब हमें हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस मालूम करना है। एज वी नो हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु 22 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति, इट इज -8 डिग्री सेल्सियस। जब हमने 22 डिग्री सेल्सियस में से -8 डिग्री सेल्सियस माइनस किया, जब हम माइनस को माइनस कर रहे हैं तो एक्चुअली वो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, तो वी हैव एडेड 22 डिग्री सेल्सियस विद 8 डिग्री सेल्सियस और वी गेट 22 प्लस 8 दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु टेम्परेचर एंड द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति टेम्परेचर। नाउ अनदर वाज श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति के बीच का डिफरेंस क्या है, अगर उनके टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम, तो श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। हमेशा हम बड़े नंबर को पहले अगर लाते हैं तो हमारे लिए डिफरेंस निकालना इजी होता है। अब आप बोलेंगे 2 तो छोटा है 8 बड़ा है, यस 2 स्मॉलर होता है 8 बिगर होता है, बट इन केस ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, जहां माइनस में नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, वहां नंबर की वैल्यू अगर उसके नंबर में जितना छोटा आता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। जैसे 2 है तो -2 इज मोर देन और बिगर देन -8, ओके -2 -8 से बड़ा होता है, क्योंकि जब हम 0 से चलते हैं तो -2 पहले आता है और नीचे आते जाते हैं तो -8 आता है। इसको ऐसे समझें कि -2 डिग्री पर आप जैकेट वगैरह पहन के आराम से रह लेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर -30-40 डिग्री हो तो आपकी कुल्फी जम जाएगी, बर्फ जम जाएगी, ओके और जीना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और पूरा बर्फ ही बर्फ रहेगा, ज्यादा ठंड रहेगी। ज्यादा ठंड होना मतलब कम टेम्परेचर होना, ओके तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन लाहौल स्पीति टेम्परेचर -8 डिग्री। जब डिफरेंस निकालते हैं तो माइनस माइनस हमने प्लस किया तो -2 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस। आप कह सकते हैं कि 2 + 8 तो 10 होता है, नहीं, -2 + 8 डिग्री सेल्सियस। तो -2 से जब हम 8 में आते हैं, इसको प्लस करते हैं तो हम 6 डिग्री सेल्सियस पाते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे 6 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर टेम्परेचर इज -2 डिग्री सेल्सियस, ओके -2 को हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। डिफरेंस देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया 6, ये 6 कौन सा है, टोटल 6 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, ओके नाउ एक और टर्म आएगा, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर हम ऐड कर दें तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का टेम्परेचर कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, तो -2 + 5, तो -2 + 5 अगेन, अगर -2 + 5 में हम जाते हैं तो वी गेट 3 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए -2 डिग्री सेल्सियस, ओके एंड 5 डिग्री सेल्सियस, तो 5 प्लस करते हैं, हम प्लस करने के लिए हम फॉरवर्ड मूव करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ओके ये 5 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या आया, जब हमने इसमें 5 प्लस किया तो 0 से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ओके 3 इज द आंसर, और हमारा 3 आंसर यहां भी आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को ऐड करना है तो वी गेट 3 डिग्री सेल्सियस। और क्या पूछा है, क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, ये शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री है और टोटल हमको कितना मिल रहा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर एंड शिमला ऑल टुगेदर टेम्परेचर इज लेस देन शिमला टेम्परेचर अलोन, ओके। अनदर वॉज श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस कर लेते हैं तो क्या ये लाहौल स्पीति से कम या ज्यादा है या श्रीनगर से कम या ज्यादा है, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला और श्रीनगर का मिलाकर 3 डिग्री सेल्सियस, तो 3 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन श्रीनगर टेम्परेचर -2 डिग्री, ओके ये मोर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ध्यान रखेंगे।